एक तरफ से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से सभी लोगों का एक ही बात का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसे। जी हाँ, नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। आपको बताते चले, एक तरफ से फिर से बताऊंगी, पाकिस्तान की तरफ से ये कहते हुए ये वीडियो वायरल होते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हमारे भी यहाँ के पीएम होने चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ से बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उनका एक ही बार बार कहना होता है कि पाकिस्तान से बातचीत कर सुधरेंगे कश्मीर के हालात। सरकार ना होने के कारण जो है प्रदेश को हो रहा भारी नुकसान। अब चलिए पूरी बात क्या है वो आपको बताते चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा, कश्मीर में G20 कार्यक्रम करने से घाटी में पर्यटन के हालात नहीं सुधरेंगे, वहीं पे बल्कि इसके लिए भारत और पाकिस्तान को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर बातचीत करनी होगी। ये साफ तौर पर कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। वहीं पे सरकार ना होने के कारण जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान हो रहा है, ये आपको बताते चले नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा LG और उनके सलाहकार पूरे राज्य की देखभाल नहीं कर सकते। जी हाँ, साफ तौर पर उनका कहना है कि LG और उनके सलाहकार पूरे राज्य की साफ तौर पर यही कहना है कि इस काम को विधायक ही अच्छी तरह कर सकते हैं क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। वहीं पे नौकरशाहों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए और साथ ही साथ में एक विधायक को हर 5 साल में जनता के पास जाना होता है। वह काम नहीं करेगा तो वोट नहीं मिलेगा, इसलिए चुनाव बेहद जरूरी है। उनकी पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। वहीं पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सवाल ये है कि G20 से आने वाले पर्यटन से हमें फायदा होगा और ऐसा तब नहीं हो सकता जब तक यहाँ के हालात जो है वो नहीं सुधरेंगे, और हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि दो बड़े देश इस बात पर बातचीत नहीं करते कि इस देश के भविष्य को कैसे आकार किया जाए। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या श्रीनगर में G20 बैठक आयोजित करने से केंद्र शासित प्रदेश को फायदा होगा। वहीं पे LG के बयान पर कहा क्या इनके पास साधन नहीं। बात करते चले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान पर कि कश्मीर में कुछ दलों ने अतीत में चुनावों को हाईजैक कर लिया था। अब वहीं पे फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या उनके पास इसका मुकाबला करने का कोई साधन नहीं है, वे उच्च वहीं पे चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को भी बाहर का रास्ता दिया, माफ कीजिएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहीं पे बात करें रेल जो कि 2-3 दिन पहले की बात करें तो रेल हादसे की जांच होनी चाहिए, उनका साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ओडिशा ट्रेन हादसे पर उन्होंने कहा कि ये दुनिया की बड़ी आपदाओं में से एक है, 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों अन्य घायल है, इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ और इसके लिए कौन है जिम्मेदार। तो साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फिर से बताते चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से बातचीत कर सुधरेंगे कश्मीर के हालात, जो हालात बिगड़ रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे उसके बाद ही हालात जो है वो सुधर पाएंगे। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो आम पब्लिक की बात करें तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हमारे भी पीएम हो तो हमारा भी काफी कुछ सुधर सकता है। अब इसके ऊपर आप सबका क्या कुछ कहना है, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे तो सुधरेंगे कश्मीर के हालात, क्या ये सही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज, कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।